ये फेस टू फेस का एक स्टेबलाइजर है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था बार बार कि इसका रिले स्पार्क हो जा रहा था, जो कि इसमें जो रिले यूज किया गया था पहले इस टाइप के रिले को यूज किया गया था, जो कि ये फॉल्ट हो गया। इसमें ये बोर्ड हमने जो है इंस्टॉल किया है, और इसके पहले इसका कनेक्शन कुछ अलग था, लेकिन इसमें हमने इसके कनेक्शन यानी वायरिंग को चेंज कर दिया है, और ये दूसरे मेथड से हो गया, यानी ये इसके अकॉर्डिंग ये इसकी जो है वायरिंग हुई है। इसमें टोटल 5 रिले यूज किए गए हैं, जो कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसका स्पेस कम था, इसलिए हमने जो है इस रिले को यूज़ किया है। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये है इनपुट और ये है आउटपुट। इनपुट सप्लाई 248, 253, 260, 270, 276 तक ये पहुंच गई है, ठीक है। ये पावर मैन का रिले यूज किया गया है, ये 40 एम्पियर है, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखें, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी LT बाइंडिंग है, और यहाँ है इनपुट पॉइंट, और यहाँ से इनपुट होके फिर यहाँ पर देखें, ये है इसका NC और ये है NO। अब यहाँ NC से यहाँ पे जो है कॉमन में जुड़ेगा, यानी पोल में। फिर नेक्स्ट आएंगे, फिर यहाँ पे NC से फिर ये कॉमन यानी पोल में जुड़ेगा। फिर इसका जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखें, इसका ये जो कॉमन और इसका कॉमन यानी आउटपुट का कॉमन दोनों एक हो जाएंगे। आउटपुट यहाँ से इसका जाएगा NO पे, और इसका कनेक्शन यहाँ देखेंगे तो ये हो गया न्यूट्रल, और यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 वायर है। 5 वायर में ये जो हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, ये ABCDE। अब E का कनेक्शन यहाँ सीधे पहले फर्स्ट पे रिले पे आएगा NO पॉइंट पे, फिर यहाँ से जो ये D वाला है, D वाला यहाँ से ऐसे सीधे इस NC पे आ जाएगा। फिर यही डी का यहाँ पर NC पे आने के बाद यहाँ ऐसे सीधे ये दूसरे नंबर के NO पे जाएगा। फिर इसी तरीके से ये सी वाला जो है इस NO पे आ जाएगा, जो कि ये है चौथा नंबर रिले। फिर यहाँ पर जो है बी है, बी का जो है NO वाला पॉइंट, ये तीसरा नंबर रिले है। और इसी तरीके से ये है यहाँ पे NC पॉइंट पे जुड़ेगा, तो ये जो NC पॉइंट पे जुड़ा ये है हो गया तीसरा रिले। अब रिले को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे R1 मतलब 1 रिले, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से इसका 7 स्टेप के बोर्ड से कनेक्शन किया जाएगा। ये है साक्षी का 7 स्टेप बोर्ड, और यहाँ पे इसका कनेक्शन डिटेल दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे 1 R1 R2 R3 R4 R5, और ये है LT का, यानी ये जो ट्रांसफार्मर से जुड़ा है कनेक्शन, और इस तरीके से इसका PCB का ये कंपोनेंट साइड है SMD। अब इस स्टेबलाइजर में देखेंगे तो पहले जो वायरिंग की गई थी उसका जो कनेक्शन था वो अलग मेथड से था, लेकिन हमने जो है इसमें एक अलग मेथड से कनेक्शन किया है।